कलर नहीं उतरा, थोड़ा बहुत है सर में है बहुत सारा, जबकि मैंने वॉश भी कर लिया इतनी बार, बट नहीं हटा। इसी का ही नाम होली है, जब तक आपका कलर दिखता नहीं है दूसरे दिन तक वो होली नहीं होती है। सो यार गाइस, आज का जो काम है, बहुत सारे काम है, बहुत सारे तो क्या वो एक ही काम है, वो बहुत सारे के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमें आज जाना है कोको की ग्रूमिंग के लिए। सो देखते हैं कि कब कोको करवाएगी या नहीं करवाएगी, बिकॉज कोको जो है अभी तो भी फ्रेंडली नहीं है, बिकॉज हम इसको लॉकडाउन में लाए थे, तो लॉकडाउन में कोई कौन तो इसका फ्रेंड बनेगा। सो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, शी सो सो मच एग्रेसिव। तो एक बार हमने बुलाया था ग्रूमिंग करने वाले को घर पे ही, बट कि जो हालत करी थी कोको ने, वो तो आज हो रही है, लाइफ में पहला डॉग देखा है जो इतनी एग्रेसिव है। बट अभी हम लोग इसको लेकर जा रहे हैं, होप सो ये करवा ले मैडम। सो हम लोग लेकर जाएंगे इसको ग्रूमिंग के लिए, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, बिकॉज इसकी जो बॉडी है उसकी बॉडी में जो है नोज बनती है, नोज हो गए हैं, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है हम लोगों के लिए इसका हेयर कट करने के लिए, हेयर कट करने पर। तो हम देखते हैं आज कैसा होता है, हम सोच रहे हैं इसकी पूरी बॉडी का जो है हेयर है वो पूरा ट्रिम करवा, तो लेट्स सी क्या होता है। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ कोको मेनिया। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी जो वीडियो है आपके पास टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचे। सो यार गाइज, बने रहिए मेरे साथ। जंप जंप चलो लेट्स गो, बाय मम्मी। ये कल का पिंक पिंक हो रहा है, कल जो होली खेली थी अभी तक कलर ये उड़ेगा अभी। हम लोग अभी निकल चुके हैं कोको की ग्रूमिंग के लिए, और सीस किम में है, और मेरा कलर आप दिख ही रहा होगा लगा हुआ है। सो चलिए चलते हैं, आ जाओ चलो। सो यार गाइस, बाहर बहुत तेज वाली गर्मी थी जिसका कोई आइडिया भी नहीं है। कहाँ जा रही हो जल्दी बता, ग्रूमिंग शॉप आ चुके हैं। और ये है सी स्किन का एरिया है, शॉपर्स पैराडाइज के जस्ट सामने है ये शॉप। और यहाँ पर अंदर इतनी प्यारी प्यारी कैट्स थी, मैं तो देखती रह गई थी, और हमारी जो कोका मैडम है वो तो है ही अग्रेसिव, वो चालू हो गई थी। बहुत ही रूड है, बहुत अग्रेसिव है, हमें तो शॉप से बाहर निकाल दिया। हाँ उन्होंने बोला कोको बहुत गंदी है, शॉप से बाहर ले जाओ। हाँ
की एक कैट आई है उसका ग्रूमिंग चल रहा है, तो आफ्टर दैट कोको का ग्रूमिंग स्टार्ट होगा, राइट? यहाँ पर एज यूजुअल कोको को देख सकते हो बिल्ली से लड़ते हुए। और यहाँ पर काफी सारी कैट्स थी, यहाँ पर ये देखो दो सो रही है, एक ये रही, दो अंदर थी, काफी सारी क्यूट क्यूट कैट्स। गाइस बाहर कोको को रख दिया है, वो बाहर से भौंक रही है क्योंकि इसको अलाउड नहीं करे, कोको अग्रेसिव है। सो हाय, हाय, नो, शी इज सच सो क्यूट, हाय क्यूटी। गाड़ी में आ चुके हैं बिकॉज कोको अपना आपा खो रही है। ये लड़की पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है ये। कोको तेरे को तो भैया ने राक्षस बना रखा है, तू तो बैठा मतलब अकेला तो ग्रूमिंग ही नहीं करा रही है।
के बाद में इतना शोषण हुई लोगों के साथ में। और ये कैट बहुत ही क्यूट है। हाय क्यूटी। अरे 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 बाबा बाइट कर रही है। नो 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 मेरे को डर भी लग रहा था क्योंकि यार ये पंजे मारती है, बट ठीक है बहुत क्यूट थी ये। जैसा मैंने सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं थी ये, काफ़ी क्यूट क्यूट सी थी, छोटी छोटी सी थी। और ये देखो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग गई, मतलब देखो अरे ये किस तरीके से लड़ाई करी एक बार देखता। गाइस हमने कोको की ग्रूमिंग करवा दी है। एक्चुअली गर्मी हो रही है तो हमने इसका पूरा जो बाल है पीछे के वो कटवा दिए हैं, बिकॉज इसके बालों में जो है नोच और हो रही थी। सो यहाँ पर जो है कोको की पूरी ग्रूमिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको गर्मी लग रही है और हमें घर जाना है बस। और ये काफ़ी अच्छी शॉप है, ये है मैड अबाउट डॉग्स। और इसके जो वाउचर्स हैं हमें इंटरनेशनल डॉग बाजार जो अभी हुआ था तो वहाँ से हमें मिले थे। ये जो है यहाँ पास में ही है, ये जो लगा हुआ है मेड अबाउट डॉग्स, कैफ़े भी है, सलोन भी है, हॉस्टल भी है डॉग्स के लिए। सो जस्ट डू एंड विजिट फॉर योर डॉग्स एंड योर कैट ऑल्सो, बहुत अच्छा सलोन है। सो या गाइज वी आर डन विद आवर वर्क, जो कि कोको का था हेयर कट वो हमने करवा लिया। और ये देख सकते हो मैडम को, इसको हमने वहाँ पर निलाया नहीं है बिकॉज फिर टाइम लग जाता, तो इस वजह से हमने इसको वहाँ पर निलवाया नहीं है। हम लोग घर पे आकर ही निला देंगे इसको और अब हम घर जा रहे हैं। घर ना घर से ज्यादा है। सो या गाइस आई कांट इवन एक्सप्लेन यू के बाहर कितनी गर्मी है, और मतलब एसी भी चला रखी है हमने, बट बाहर से जो हीट आ रही है ना इट्स रियली सो मच। सो या गाइस वी रीच एट आवर होम। और प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो जो चश्मे हैं ये कैसे लग रहे हैं मेरे ऊपर, बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने कभी ट्राई नहीं करा इस बैग्स की, मेरी आँख खराब होने लग गई है तो अब लगाना तो पड़ेगा ही। सो मुझे प्लीज़ बताना कैसे लग रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के ये चश्मा मेरे फेस के ऊपर कैसे लग रहा है। और यार गाइस आज के लिए इतना ही, अब रात हो चुकी है, अब खाना वाना खाएंगे उसके बाद सोएंगे, वीडियो एडिट करनी है। सो या गाइस टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज कोको मीनिया।
सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। सो या गाइज, बाय बाय। गाइज वी आर डन विद आवर डिनर और अभी हम लोग नाइट वॉक के लिए आए हैं। सो ये रिको को और वो रे मम्मा पापा और चलो घर चलेंगे, आ जाओ चलो जल्दी 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 चलो चलो।